जो NCR इन्होंने आसाम में कराया है, उस NCR में ये दावा कर रहे थे कि 40 लाख मुसलमान बांग्लादेश से आकर बस गए, लेकिन जब NCR हुआ 31 अगस्त को जब लिस्ट आई तो इनके होश ठिकाने लग गए कि उसमें सिर्फ 6 लाख मुसलमान और 13 लाख हिंदू उसमें बांग्लादेशी आ गए। अब वो इनके वोट बैंक है, उनको कैसे री एंट्री करवाई जाए, उन्होंने ये कानून बनाया और अब वो चाहते हैं कि NCR के ज़रिए से पूरे मुल्क में मुसलमानों को एक तरफ कर दें और फिर उनको बाहर निकाल दें और जो दूसरे लोग उसमें आ जाएंगे उनको हम CAA के ज़रिए से वापस ले आएं। देखिए, मैं ये बता रहा था कि ये आवाज़ जो जामिया के तलबा ने उठाई थी, ये आवाज़ अब पूरे मुल्क का नारा बन चुकी है, मुल्क के पूरे तुलवर्स में। मैं कल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से दौरा करके आया हूँ, हर जगह एक ही आवाज़ है और वो आवाज़ ये है कि हमारे दस्तूर पर जो हमला किया गया है, हम इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क के आईन पर इस वक्त मुल्क के नाअकीबत अंदेश हुक्मरानों ने जो हमला किया है, उस हमले के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा हो गया है, लेकिन इसका सहरा जामिया के लोगों को जाता है। जामिया के तलबा ने अपनी जान पर खेल कर आज़ादी की एक दूसरी जंग हम लड़ रहे हैं। साथियों, हमने 1947 में आज़ादी हासिल की थी और एक संविधान और एक दस्तूर बनाया था, लेकिन हकीकी मानों में अभी लोगों को आज़ादी हासिल नहीं हुई है। हम भूख से आज़ादी चाहते हैं, हम गुर्बत से आज़ादी चाहते हैं, हम जहालत से आज़ादी चाहते हैं, हम ऐसे हुक्मरानों से आज़ादी चाहते हैं जो तानाशाही करते हैं, हम इस मुल्क को एक खूबसूरत मुल्क बनाना चाहते हैं। आइए आज ये अहद करें कि हमारी लड़ाई सिर्फ CAA, NCR और NPR के खात्मे तक महदूद नहीं है। ये तो जाना है, ये तो चल नहीं सकता। आप इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमानों को बांटेंगे, मुसलमानों को एक तरफ करेंगे, तो आप वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने किया था। और आप जानते हैं कि ये लोग आज जो हुक्मरान बैठे हैं, ये अंग्रेज़ों के ही चमचे हैं। अंग्रेज़ों ने जब इस मुल्क में आज़ादी की लड़ाई पर शबखून मारा था, जलियाना वाला बाग हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुए थे, उस वक्त जो अंग्रेज़ों के हाथ में हाथ मिला के बात कर रहे थे, यही लोग थे संघ परिवार के लोग, ये उनके तलवे चाटते थे। आज हमारी बदकिस्मती है कि ये हमारे मुल्क के हुक्मरान बन गए। दोस्तों और साथियों, आइए हम ये अहद करें कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि हमारी लड़ाई ये है कि इस मुल्क को हकीकी आज़ादी चाहिए, ऐसी आज़ादी जिसमें कोई भूखा ना रहे, कोई नंगा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, कोई अनएजुकेटेड ना रहे। हमारे मुल्क के अंदर अमन हो, सलामती हो, आज़ादी हो और यहाँ अदल हो और किस्त हो। ये लड़ाई है जो हमको लड़नी है। दोस्तों और साथियों, ये जो आज CAA के शक्ल में इन्होंने एक कानून बनाया, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे किसी को निकाला नहीं जाएगा, बल्कि बाहर से जो लोग आए हैं उनको ख़ासतौर पे बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए हैं, उनको शहरियत दी जानी चाहिए, देने के लिए कानून बनाया गया है। ये झूठ बोल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले 70 साल से जो लोग इन मुल्कों से आए हैं, क्या उनको अब तक शहरियत देने के लिए इस कानून की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। दरअसल हुआ यह है कि जो NCR इन्होंने आसाम में कराया है, उस NCR में ये दावा कर रहे थे कि 40 लाख मुसलमान बांग्लादेश से आकर बस गए, लेकिन जब NCR हुआ 31 अगस्त को जब लिस्ट आई तो इनके होश ठिकाने लग गए कि उसमें सिर्फ 6 लाख मुसलमान और 13 लाख हिंदू उसमें बांग्लादेशी आ गए। अब वो इनके वोट बैंक है, उनको कैसे री एंट्री करवाई जाए, उन्होंने ये कानून बनाया और अब वो चाहते हैं कि NCR के ज़रिए से पूरे मुल्क में मुसलमानों को एक तरफ कर दें और फिर उनको बाहर निकाल दें और जो दूसरे लोग उसमें आ जाएंगे उनको हम CAA के ज़रिए से वापस ले आएं। आज ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। मैं इस मुल्क के उन हिंदू भाइयों को भी, उन सिखों को भी, उन जैनियों को भी, उन बौद्धों को भी, उन ईसाइयों को भी और उन पारसियों को भी जो इस लड़ाई में मुसलमानों के शाना बशाना आगे बढ़ रहे हैं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस देश के संविधान को, इस देश के दस्तूर को जो आग लगाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने इसको महसूस कर लिया। ये लोग किसी के भाई खा नहीं हैं,
ये लोग इस मुल्क में मनुवाद चाहते हैं। ये मुल्क ये इनको लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा दस्तूर जो सबको बराबरी का हक देता है सबको इक्वलिटी का हक देता है ये दस्तूर बहुत खटक रहा है। इन्होंने बार बार कोशिश की है, पहले सेकुलरिज्म का नाम हटाने की कोशिश की, फिर और कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने दस्तूर के साथ दो बार खिलवाड़ किया। पहली बार उस वक्त खिलवाड़ किया जब इन्होंने इस दस्तूर के जरिए से आर्टिकल 370 को ख़त्म करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि कश्मीर को हमने इंटेग्रेट कर लिया है। आज आप कश्मीर में चले जाइए, इस कानून के खिलाफ वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको भी वही लड़ाई लड़नी है, वो शांति के साथ में, पीस के साथ में, अहिंसा के साथ में वो इस लड़ाई को लड़े हुए हैं और इनके दांत खट्टे हो गए हैं। पूरे दुनिया में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, पूरी दुनिया की तरफ से उन पर लानतान हो रहा है कि आपने कश्मीरियों के हकूक छीन लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये दूसरा काम है जो ये कर रहे हैं NCAA के ज़रिए से, ये दरअसल इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं ये लोग। ये लोग यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी के खिलाफ हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दें। उनको हम बताना चाहते हैं कि आपका ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हो सकेगा, हरगिज़ भी नहीं हो सकेगा। दोस्तों और साथियों, ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जामिया के तलबा से ख़ास तौर से कि आप हमारा मुस्तकबिल है, उम्मत का मुस्तकबिल है, मुल्क का मुस्तकबिल है। आपको इस लड़ाई को उस वक्त तक जारी रखना है चाहे उसकी शक्लें बदल जाएं, उसके अंदाज बदल जाएं, लेकिन ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम इस मुल्क को वाकई खूबसूरत मुल्क न बना दें। दुनिया के मुल्कों में भारत सबसे सरे फहरिस्त हो। आज भारत सरे फहरिस्त है, किस बात में है आपको मालूम होना चाहिए। अभी चंद महीने पहले ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई थी अक़वामे मुत्तहिदा की, आती है हर साल आती है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में ये बताया जाता है कितने लोग भूखे नंगे लोग हैं दुनिया में। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया के 1/3 एक तिहाई भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए भाई, मुझसे पहले जो साहब बात कर रहे थे JNU के, JNU से मेरा भी एक रिश्ता है, मेरा बेटा है उमर खालिद, आप जानते होंगे, वो मेरा बेटा है। तो JNU के लोगों ने वाकई इस मुल्क के लोगों को आज़ादी की असल रूह से हमकिनार करने की कोशिश की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप ये कोशिश करेंगे कि हमारा मुल्क 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो हमने जिस आज़ादी का ख्वाब देखा था वो आज़ादी ये थी कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक को सर उठाकर चलने का इस मुल्क में मौका मिलेगा। इस मुल्क की जमहूरियत में हर एक का हिस्सा होगा, गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल किस्म के लोग नहीं आएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ये बता रही है कि दुनिया के 1/3 एक तिहाई भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं। क्या इस मुल्क का ख्वाब देखा था हम लोगों ने? हमारे बुजुर्गों ने गैर मामूली कुर्बानी दी है इस मुल्क को आज़ाद कराने में। उन्होंने ऐसे मुल्क का ख्वाब नहीं देखा था कि 70 साल बाद भी 40 करोड़ लोग अनपढ़ रह जाएंगे इस मुल्क में। दोस्तों और साथियों, हम ऐसे मुल्क को बनाना चाहते हैं जिस मुल्क में हर गरीब से गरीब आदमी को भी दो वक्त की रोटी मिलेगी, गरीब से गरीब आदमी को भी दो वक्त की रोटी मिलेगी, हर सर को छत मिलेगी, हर बदन को लिबास मिलेगा, हर आदमी को आगे बढ़ने और तरक्की करने के यकसा मौके हासिल होंगे। उस मुल्क को हमें बनाना है और उस मुल्क को बनाने में हम सबका योगदान होना चाहिए, हम सबकी मर्जी शामिल होनी चाहिए, हम सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मैं जामिया के लोगों को और इस पूरी इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि पहले मरहले में हम CAA को, NCR को और NPR को ख़त्म करने तक इस जंग को जारी रखेंगे और उसके बाद एक नए खूबसूरत हिंदुस्तान को बनाने में अपना योगदान देंगे। शुक्रिया।